too much. चेतना चेतना आश्रम कल्याण आश्रम इज बीजेपी नमस्ते। रात को मैं JNU में गया था, वहाँ एक बच्ची ने मुझसे पूछा मेरी बात खत्म होने के बाद कि सर आपका आश्रम तोड़ दिया, अब तो आपको काम करने में बहुत परेशानी होती होगी। मैंने कहा पगली अभी तो मजा आया है, अब आदिवासी को विश्वास हुआ है कि ये आदमी सचमुच में हमारे लिए लड़ रहा है। हम लोग हम कहते हैं अभी कि रूलिंग क्लास, आप इस देश की जो रूलिंग क्लास है वो इस देश के जो लोग हैं आम लोग हैं उसके खिलाफ है और उसके खिलाफ वो फौज इस्तेमाल कर रही है। ये रूलिंग क्लास क्या है, कौन है इसमें? चिदंबरम साहब, उनको हम खूब गाली देते हैं, अकेले हैं वो, या मनमोहन सिंह साहब भी साथ में है, या पूरी कैबिनेट है उनके साथ और सारे पार्लियामेंटेरियंस भी हैं और असेंबलीज भी हैं और फिर कॉरपोरेट्स भी हैं, ठीक है, ये सब स्टेट है, यही रूलिंग क्लास है। फिर उन कॉरपोरेट्स में काम करने वाले फिर वो लाखों करोड़ों लोग हैं, फिर उनको उनके ट्रांसपोर्टर्स, उनके सप्लायर्स, उनके कंज्यूमर्स, ये सब मिलकर स्टेट बनता है और चिदंबरम साहब उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, राइट? इजंट इट ट्रू? उन सब के प्रतिनिधि हैं और उसमें हम भी शामिल हैं। तो ये सारी लड़ाई हमारी तरफ से लड़ी जा रही है उस आदिवासी के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो बाहर है इस पूरे पैराडाइम से, और हम सब इसमें शामिल हैं जो हमलावर हैं। मैं रात भी ये बच्चों से बात कर रहा था कि इसको समझ लो कि एक बहुत बड़ा पेड़ है ये मुल्क, और उस पेड़ पर हम जो ताकतवर कुछ मोटे मोटे बंदर हैं वो चढ़ गए हैं और फलदार टहनियों पर हमने कब्जा कर लिया है, और जो कमजोर पतले से बंदर हैं वो बेचारे नीचे बैठे हैं और वो चढ़ना चाहते हैं पेड़ पर, और हमने नीचे बिठा दिए है चिदंबरम साहब और उनकी पुलिस कि इनको कमजोर बंदरों को ऊपर मत चढ़ने देना, और वो विश्वास दिला रहा है कि मैं नहीं चढ़ने दूंगा, मैं मार डालूंगा इनको, और हम उनके साथ हैं, और अदरवाइज इस सरकार को बार बार वोट मिलते हैं, वो बार बार जीतती है और इस सब के बावजूद कुछ नहीं होता है। मेरे साथ 12 लोग आए थे जिनके परिवार के लोगों को, 85 साल के बूढ़े को, 70 साल की बूढ़ी को, सबको मार डाला। दिल्ली में किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी कि ऐसे लोग आए भी हैं बस्तर से, कोई उनसे मिलने नहीं गया, कोई झांकने नहीं गया। वो अंबेडकर भवन में 3 दिन पड़े रहे। एक महिला जिसकी टांग में कोबरा ने गोली मारी है वो अभी भी पड़ी अस्पताल में, यही दिल्ली में। कोई मुझे फोन भी नहीं करता कि वो महिला कैसी है। बस्तर में लोग मारे जा रहे हैं, मारे जाएंगे, मार डाले जाएंगे, और हम में से किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़े एक दो साल के बाद जब यह सब खत्म हो जाएगा अगर, तो फिर हम नए विषय पर यहां सेमिनार करेंगे, बस्तर नहीं जाएंगे। अगर हम खड़े नहीं होते हैं इन आदिवासियों के साथ, अगर हम अपना घर नहीं टूटवाते हैं उसके लिए, अगर हम कुर्बान नहीं हो सकते हैं उनके लिए, अगर आप खिलाफ हैं तो चलिए बस्तर के गांव में बैठिए एक एक गांव में और कहिए कि अगर गोली चलेगी तो हमारे ऊपर पहले चलेगी, कैसे मारेंगे आप इनको, उसका तो कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ सोचते हैं कि एकेडमिक बहसें करने से चिदंबरम साहब मान जाएंगे और हमारी सारी जीवन शैली ऐसी ही बरकरार रहे, ऐशो आराम वाली, और हम सोना पहनेंगे लेकिन सोने की खदानों के लिए आदिवासी डिस्प्लेस होते रहे, वो भी होता रहे और ये भी होता रहे, ये नहीं चलेगा।
मैंने जैसा अभी बताया कि कुछ लोग हैं जो बाहर हैं, कुछ लोग हैं जो इस पूरी व्यवस्था के पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। जो बाहर है, जिसके पास जो भूखा मर रहा है, जो भूखा है, जिसके ऊपर हमला हो रहा है, जिसकी इज्जत पर हमला हो रहा है, जिसकी जमीन छीनी जा रही है, वो एक लड़ाई लड़ रहा है और उसको अपनी लड़ाई के लिए ना सीपीआई की जरूरत है, ना माओवादियों की जरूरत है, ना पीयूसीएल की जरूरत है, ना हिमांशु जी की जरूरत है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो लड़ेगा और जब तक उसको सब कुछ मिल नहीं जाता वो रुकेगा नहीं। ना आपके चिदंबरम साहब की फौज से रुकने वाला है, ना आपके किसी पॉलिटिकल समझावे से, ना वो बातचीत से रुकेगा। हम लोग में से बहुत से लोग कर रहे हैं बात कर लो, बात कर लो, कर लो बात। जब तक बराबर बंटवारा हर चीज का नहीं होगा, दुनिया में शांति नहीं होगी। आप ये मान लीजिए कि ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी आपके सारे प्रतिरोध और चालाकियों के बावजूद, जो आप करते हैं बातचीत के नाम पर। आप बांटने को तैयार नहीं है, तरह तरह के आप छलावे देते हैं। अरे बात कर लो ना, डेमोक्रेसी है ना? कहां की डेमोक्रेसी है? उन 12 लोगों के घर वालों को मार डाला गया, ये डेमोक्रेसी है? और किसी पर जू नहीं रहेंगी दिल्ली में, मीडिया पर नहीं, इंटेलिजेंसिया पर नहीं, किसी पर नहीं। और आप डेमोक्रेसी की और बातचीत की बात करते हैं उन लोगों के साथ, क्या बात करेंगे आप उनसे? मैं तो जा रहा हूं वापस दंतेवाड़ा, मैं फिर बैठ जाऊंगा उन गांव में जिन पर हमला होगा। आप लोगों को दावत देता हूं, टिकट कटाइए, चलिए दंतेवाड़ा और आ जाइए और एक एक गांव में बैठिए। अभी हमने जिन गांव को बसाया था, अभी फोन आया था मेरे पास कि सर कोबराज आ रहे हैं और हमने अपनी औरतों और बच्चों को फिर आंध्रा भेज दिया है, फिर भगदड़ मच गई है, फिर सर्वजुलम कैंपों की तरफ भागने लगे हैं लोग जान बचाने के लिए। चलिए उन लोग उनके गांव में बैठिए और चिदंबरम साहब को चुनौती दीजिए कि मैं इस गांव में बैठा हूं या मैं इस गांव में बैठी हूं और देखते हैं आप इस गांव के आदिवासियों को कैसे मारते हैं। यह आजादी की लड़ाई सेमिनार हॉल्स में नहीं लड़ी गई है, यह सड़कों, खेतों और खलियानों में लड़ी गई है। और ये जो दूसरी गरीबों की तरफ से लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई में भी अगर आप गरीब के साथ खड़े नहीं होंगे और आप सोचते हैं कि इस तरह की बहसों से कुछ होने वाला है, तो ये जो हमारा ढोंगी लोकतंत्र है ये तो इस तरह की चीजों से मानने वाला नहीं है। और ये लड़ाई हमारे दरवाजे तक बहुत जल्दी पहुंचने वाली है। वो जो गरीब है वो बढ़ता चला आ रहा है। हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि हिमांशु जी गरीबी तो यूपी में भी है, वहां क्यों नहीं माओवाद पनपता? मैंने कहा भाई दो तीन तरह के गरीब हैं इस देश में। एक तो वो गरीब है जो ये आपकी अमीरी से फायदा उठाते हैं, जैसे आपके बच्चों को गुब्बारा बेचने वाला गरीब, या आपका घर बना देने वाला गरीब, या आपके कपड़े प्रेस कर देता है वो गरीब। वो सोचता है आप अमीर हैं तो चलिए हमारा भी पेट भर रहा है। दूसरी तरह के वो गरीब हैं जो सोचते हैं कि साहब हम तो अयोग्य हैं, हम तो बिना पढ़े लिखे इसलिए गरीब हैं, आप पढ़े लिखे इसलिए अमीर हैं साहब। वो समझौता किए बैठा अपनी गरीबी से। तीसरी तरह का गरीब वो है जो आपसे कुछ मांग नहीं रहा था, लेकिन आपने अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए उस पर हमला कर दिया है, और ये आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब वो बढ़ा चला आ रहा है और उसके साथ कुछ पढ़े लिखे लड़के भी मिल गए। उन्होंने उसको बताया जा रहे तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है रे, उठा हथियार और लड़ो। और वो अब लड़ता बढ़ता चला आ रहा है। और उस खतरा ये है कि ये लोग जो आपकी अमीरी से खुश थे कि साहब आप अमीर हैं तो हमें भी कुछ खाने को मिल जाता है, और वो लोग जो ये सोचे बैठे थे कि हम इसलिए गरीब हैं साहब, हम तो गरीब होने के लायक हैं, वो सारे के सारे इनके साथ ना मिल जाए। और अगर ये सारे मिल गए तब आपके लिए खतरा पैदा हो जाएगा, वो आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। इसलिए वो सारा सोच लीजिए और फिर सोच लीजिए आप किसकी तरफ हैं, और जिसकी तरफ है उसकी तरफ तुरंत चले जाइए, इंतजार मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।